हेलो दोस्तों, द पेट जोन चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं एक ऐसी डॉग ब्रीड के बारे में बात करने वाला हूं जो वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट डॉग होने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में अपने नाम करवा चुकी है। उस ब्रीड का नाम है ग्रेट डेन, जिसको हम लोग जर्मन मैस्टिफ के नाम से भी जानते हैं। ये एक जर्मन डॉग ब्रीड है जिसको 17th सेंचुरी में तैयार किया था। इस ब्रीड को इंग्लिश मैस्टिफ और आयरिश वुल्फ हाउंड ब्रीड की क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार किया गया था। इस ब्रीड में मेल डॉग की हाइट 31 टू 35 इंचेस तक होती है और इसका बॉडी वेट 55 से 90 किलो तक होता है, और फीमेल की हाइट की बात करें तो 28 से 33 इंचेस तक होती है और बॉडी वेट 45 से 60 किलोग्राम तक होता है। दोस्तों, ग्रेट डेन एक हंटिंग डॉग ब्रीड है जिसको जंगली सुअर, भालू और हिरन जैसे बड़े और भारी भरकम जानवर की हंटिंग के लिए यूज़ किया जाता था। ग्रेट डेन एक बहुत ही मजबूत कट काठी का पावरफुल डॉग है। अमेरिकन कैनल क्लब के स्टैंडर्ड से ग्रेट डेन डॉग की बॉडी स्क्वायर शेप में होनी चाहिए, यानी हाइट और लेंथ का जो प्रपोर्शन है वो 1:1 के रेशियो में होनी चाहिए। दोस्तों, ग्रेट डेन बेसिकली 6 कलर्स में आते हैं, जो कि फॉन, ब्रिंडल, ब्लैक, हार्लेक्वीन, ग्रे एंड ब्लू कलर्स हैं। बट इनमें फॉन कलर बहुत ही कॉमन कलर है जो अक्सर हम लोगों को मार्केट में या अपनी सोसाइटी में देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर इस डॉग के टेम्परामेंट की बात करें तो ग्रेट डेन बहुत ही शांत स्वभाव का और बहुत ही फ्रेंडली नेचर के होते हैं। फ्रेंडली नेचर इन द सेंस ये केवल अपनी फैमिली और नोन पर्सन के साथ ही फ्रेंडली रहते हैं, अदरवाइज ये गार्डिंग के लिए बहुत अच्छे डॉग होते हैं। ये जनरली किसी भी डॉग के साथ में लड़ना पसंद नहीं करते हैं और बच्चों के साथ भी बहुत अच्छे से रहते हैं, अगर इनको बचपन से ही बच्चों के साथ में रेस किया जाए और इनको ट्रेनिंग दिया जाए। दोस्तों, अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो ग्रेट डेन का लाइफ स्पैन जनरली 6 से 8 साल तक का होता है, जो कि डॉग वर्ल्ड में एवरेज से कम लाइफ स्पैन माना जाएगा। इन डॉग्स की डेथ ज़्यादातर गैस्ट्रिक डायलेशन वॉल्वस, जिसको आम भाषा में हम लोग ब्लोट बोलते हैं, उसी के कारण होती है। ब्लोट की समस्या से बचने के लिए जब भी हमें अपने डॉग्स को खाना देना चाहिए, उसके बाद इन्हें एक्सरसाइज या रनिंग अवॉइड करनी चाहिए। दोस्तों, अगर डिसीज़ की बात करें तो ग्रेट डेन जनरली एक हेल्दी ब्रीड मानी जाती है, बट जैसा कि कुछ बड़ी डॉग्स ब्रीड में हिप डिस्प्लेसिया या एल्बो डिस्प्लेसिया की प्रॉब्लम आती है, तो ये ब्रीड भी इससे बची नहीं है। इन डॉग्स में भी किसी डॉग्स में हिप डिस्प्लेसिया या एल्बो डिस्प्लेसिया की प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, अगर आप ग्रेट डेन डॉग पालने की सोच रहे हैं तो आप ज़रूर पालिए, बट प्लीज़ एक बात श्योर कर लीजिए कि ये डॉग जितनी बड़ी कदकाठी के होते हैं, इन्हें उतना ही बड़ा घर और उतना ही बड़ा स्पेस गार्डन खेलने और कूदने के लिए भी चाहिए होता है। कुछ ग्रेट डेन्स के कान आप देखते होंगे कि वो फ्लॉपी ईयर्स होते हैं और कुछ के कान बिल्कुल खड़े जर्मन शेफर्ड के जैसे होते हैं। दोस्तों, ये जो इनके कान खड़े करने की प्रक्रिया होती है, इसको क्रॉपिंग के द्वारा खड़ा किया जाता है। जब ये डॉग 3 महीने से 5 महीने की एज का ही होता है, उसी समय इनके डॉग की क्रॉपिंग की जाती है और इनको सपोर्ट देकर खड़ा किया जाता है, जिसके बाद ये 2 महीने तक सपोर्ट से खड़े होने के बाद ये नेचुरली खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।